चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हम अच्छे लोग सारे, जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं सेशन में, प्लीज यस सर लिख के भेजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे मेरे साथ 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जुड़ गए हैं और अच्छे मार्क्स उन सब बच्चों को लाने हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5th, लीडरशिप 1, 2, 3, 4। जी हाँ, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपने हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का वीडियो देखा होगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस हो गया, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लस नोट्स डाउनलोड करने का। जी हाँ, फुल सिलेबस के नोट्स मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप RBSE 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वही नोट्स हैं जिनसे मैं आप बच्चों को रोज पढ़ाता हूँ, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ लीडरशिप से। बेसिक्स आज हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन देखने वाले हैं लीडरशिप की। स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ लीडरशिप से। लीडरशिप क्या है बच्चा? लीडरशिप इज द प्रोसेस एंड आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्टिविटीज ऑफ पीपल टू वर्क विलिंगली एंड एंथुजियस्टिकली टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। देखिए, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप किसी भी एक पर्सन का एक क्वालिटी है, एक एट्रीब्यूट है, एक फीचर है जिसके थ्रू वो अपने साथ में काम करने वाले को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और उनसे काम करवाता है, राइट। देखिए, जब भी लीडरशिप की बात आती है तो आप कोई भी अपना एक फेवरेट टीचर को इमेजिन कर सकते हैं। एक हर एक टीचर में, जो भी आपका फेवरेट टीचर है, उसमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, उसमें वो हर एक क्वालिटी होती है जो एक अफेक्टिव लीडर में होती है। तो एक लीडर या अफेक्टिव टीचर कैसा होता है? वो मोटिवेट करता है, वो इंस्पायर करता है, जो भी वो बोलता है उसके फॉलोवर्स, मतलब जो स्टूडेंट है वो उसको बात मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक जितने भी एक लीडर में गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक टीचर में भी होती है, राइट। तो आप हमेशा जब भी लीडरशिप को पढ़ें तो एक टीचर से रिलेट करके जाइएगा ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, राइट। चलिए, एक बिहेवियर है, एटीट्यूड है, एक्टिविटीज है जिसके थ्रू विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से। देखिए, आप किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो आप उसकी बात मानते ही मानते हैं, राइट। आपको उसकी बात मानना अच्छा लगता है क्योंकि आप उनसे इंस्पायर हैं, आप वैसा ही बनना चाहते हैं, आपके वो रोल मॉडल हैं। तो कहीं ना कहीं एक लीडर भी एक फॉलोवर्स का, अपने सबॉर्डिनेट्स का, एम्प्लॉयज़ का रोल मॉडल है और जो भी लीडर बोलता है वो चीज़ें माननी ही पड़ती है या फिर खुशी खुशी मान लेते हैं उनके फॉलोअर्स, राइट। चलिए, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप की बात करें तो जॉर्ज आर टेरी की बहुत ही एक पॉपुलर डेफिनेशन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या है? किसी की एक एबिलिटी है, किसी पर्सन की एक एबिलिटी है जिसके थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, ताकि जो लोग उसके साथ हैं, जो ऑब्जेक्टिव उसने सोचा है, लीडर ने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए, राइट। लीडरशिप क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू एक लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है वर्कर्स को, ताकि वर्कर्स खुशी खुशी मोटिवेट रहकर, इंस्पायर होकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। सिंपल। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनल क्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपके स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में फेवरेट टीचर्स होते हैं, आप वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर, एक क्वालिटी रखकर उनके बारे में भी सोच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिलेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, लीडरशिप क्या है? एक पर्सनल क्वालिटी है। पर्सनल क्वालिटी क्यों है? क्योंकि हर कोई एक लीडर नहीं होता, राइट। लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, इट इज अ बिहेवियरल क्वालिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टूवर्ड्स अकम्प्लिशिंग अ गोल। ये एक पर्सनल क्वालिटी क्यों है? क्योंकि देखिए, हो सकता है आपके स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में 20 से 25 टीचर हों जो आपको पढ़ाते हों, या थ्रू आउट द अपने ईयर जितने भी टीचर से पढ़ा हो, क्या सब आपके फेवरेट हैं? नहीं। आपके फेवरेट 1, 2, 3 या 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल क्वालिटी है, हर किसी में वो क्वालिटी नहीं होती इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की। इसलिए ये हर एक में पाई नहीं जाती है, जिसमें पाई जाती है उसमें एक गिफ्ट होता है, उसमें एक टैलेंट होता है जिसके थ्रू वो मोटिवेट कर पाता है और लोगों को, राइट। देयरफॉर इट इज अ कॉल्ड अ पर्सनल क्वालिटी, राइट। चलिए, फॉलोअर्स। जहाँ पर लीडरशिप की बात आती है, लीडर की बात आती है, वहाँ पर फॉलोअर्स होना लाजमी है, ऑब्वियस सी बात है। फॉलोअर्स वो पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि लीडर की कही हुई बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं, लीडर ने जो कहा है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर सुनते हैं, प्लस लीडर के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में उसकी मदद करते हैं, राइट। चलिए,
आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग एक तरह का आर्ट है ये। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है वो कला जिसके थ्रू प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से हम उसको इंस्पायर करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन में ये क्वालिटी है जिसके थ्रू वो लोगों को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, आर्ट है। जितना मतलब वो प्रैक्टिस करेगा, जितना वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जितना ज़्यादा वो हार्डवर्क करेगा, जितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में इंगल्ज रहेगा, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, उतना ज़्यादा वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा, राइट। तो लीडरशिप क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और अ बेसिक ऑब्जेक्टिव, राइट। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पलेरी कंडक्ट। एग्जाम्पलेरी मतलब होता है एग्जाम्पल सेटलर। एग्जाम्पल सेटलर मतलब वो बंदा जिसके जैसा हम बनना चाहें, जिसको आप रोल मॉडल बोलते हो। तो कहीं ना कहीं फॉलोअर्स का, एम्प्लॉयज का, सबॉर्डिनेट्स का एक रोल मॉडल होता है एक लीडर ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर जो कि एक लीडर बनता है। तो ज़रूरी है कि एक मैनेजर को उसको वो आर्ट आनी चाहिए, उसमें वो पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू एक जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसको एग्जेम्पलरी की तरह पेश करें या उसको एज अ रोल मॉडल ट्रीट करें। क्योंकि देखिए एक लीडर जो है वो एग्जाम्पल सेटलर है। एग्जाम्पल सेटलर मतलब सिर्फ वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन नहीं देता, खुद काम को करके दिखाता है, खुद इतने पर्सनल स्टैंडर्ड सेट करता है, खुद इतना हार्डवर्किंग है, खुद इतना पंक्चुअल है टाइम को लेकर। तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है और लोगों को, यार हमारा बॉस ऐसा है, हमारा मैनेजर ऐसा है, तो हमें भी उसके जैसा ही बनना चाहिए, वो इतना सक्सेसफुल है। अगर आप ऐसा मैनेजर रखेंगे जो खुद सक्सेसफुल नहीं है या खुद में कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, तो वो कभी भी अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर नहीं कर पाएगा, राइट। तो ज़रूरी क्या है यहाँ पर? एग्जेम्पलरी कंडक्ट होना, एक रोल मॉडल की तरह पेश आना, खुद को इंस्पायर करना, खुद इंस्पायर रहना, मोटिवेट रहना, तभी एक लीडर औरों को भी इंस्पायर या मोटिवेट कर पाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फीचर है लीडर का वो है डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। डायनामिक है ये, एवर चेंजिंग प्रोसेस। देखिए जैसे जिस तरीके से लीडर मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करता है हर वर्कर को, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिस तरीके से एक वर्कर को मोटिवेट करता है एक लीडर, वैसे हर वर्कर को मोटिवेट नहीं करता है। तो लीडरशिप क्या है? ये चेंजिंग एबिलिटी है, ये डायनामिक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लीडर को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा। आपने अगर टाइप्स ऑफ लीडर पढ़े हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के लीडर हैं। डेमोक्रेटिक है, राइट, आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, लेजिस फेयरी लीडरशिप है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक लीडर को अपनी स्टाइल को, अपने तरीके को, अपने आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग को चेंज करना पड़ता है ताकि वो अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर पाए। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, साल में एक बार मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करके नहीं जा सकता लीडर। उसको जब भी गोल सेट होते हैं, जब भी काम करवाना होता है, तो कहीं ना कहीं उसको रोज़ आकर इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, एज अ एग्जेम्पलरी कंडक्ट पेश कर लोगों को भी इंस्पायर करना है, राइट। चलिए ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर, एक ऑब्वियस सी स्टेटमेंट है जिसके आप भी एग्री करेंगे। सब जो मैनेजर्स हैं वो लीडर नहीं हो सकते क्योंकि एक पर्सनल क्वालिटी है, हर किसी में वो क्वालिटी नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि आप इतने सारे टीचर्स से पढ़ते हो लेकिन आपको पसंद सिर्फ एक या दो ही हैं। क्यों है? क्योंकि उनमें ही वो सिर्फ क्वालिटी है जो कि इंस्पायर करती है, इन्फ्लुएंस करती है, आपको अच्छा ट्रीट करती है, आप को अच्छा पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से इंस्पायर होते हैं, सबसे इंस्पायर नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है, मैनेजर्स बहुत हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स बहुत हैं, लेकिन जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो टॉप लीडर होते हैं, वो बहुत ही चुनिंदा होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करना है कि उन लीडर से वो अच्छे से काम ले, काम करवाए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की गोल सक्सेसफुली अचीव करवाए, राइट। तो ये थे क्वालिटीज़, या फिर आप इसको फीचर्स बोल सकते हैं, क्वालिटीज़। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने मीनिंग, फीचर्स और डेफिनेशंस देखी लीडरशिप की। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वालिटीज़ ऑफ अफेक्टिव लीडर हम देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। फुल सिलेबस के नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। प्लस आपके कोई भी वीडियो मिस हो गया तो उसका भी लिंक जो है प्लेलिस्ट का, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है।